नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं एनएन 24 न्यूज। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। खैरागढ़ में दिवंगत राजा साहेब की प्रतिमा स्थापना के लिए मुख्यमंत्री का आभार। दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने कहा कि यशोदा नीलांबर वर्मा को टिकट देकर मुख्यमंत्री ने महिलाओं का सम्मान किया। सिद्ध बाबा जलाशय का नाम स्वर्गीय देवव्रत सिंह के नाम से करने की मांग। राजनंदगांव खैरागढ़ के विधायक रहे स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ विधानसभा से एक सामान्य वर्ग की ग्रामीण महिला यशोदा वर्मा को प्रत्याशी बनाकर महिलाओं का सम्मान किया है। पति स्वर्गीय राजा देवव्रत ने किसानों के हित में कई काम किए, यही वजह है कि सिद्ध बाबा जलाशय जैसे प्रोजेक्ट की स्वीकृति हुई। इसीलिए मांग करती हूँ कि प्रोजेक्ट का नाम स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह के नाम से रखा जाए। विवाह ने कहा कि राजा देवव्रत सिंह से शादी के बाद उन्होंने कई बार राजनीतिक पद ग्रहण कर राजनीति में सक्रिय होने की बात कही थी, पर राजनीति से परे हटकर लोगों की सेवा करना चाहती हूं। विवाह ने कहा कि मैंने कांग्रेस की ओर से कभी टिकट की मांग नहीं की और न ही सरपंचों के साथ मिलकर कोई राजनीतिक प्रदर्शन किया। विवाह ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करने वाले लोगों की पक्षधर हूं, चाहे वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, इन सभी का सम्मान करती हूं। मैं उनको जो वो खैरागढ़ चौराहे पे एक चौराहे को देवव्रत सिंह जी का नाम दे रहे हैं और दूसरा उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं और उदयपुर में भी वो उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करने आई हूँ। और महिलाओं को, जैसे कि महिला प्रत्याशी उन्होंने उतारा है खैरागढ़ से, उसके लिए भी मैं महिला सम्मान के लिए उनको धन्यवाद देने आई हूँ। साथ में मैं उनसे मांग ही रख रही हूँ कि जो सिद्धि बाबा जलाशय जो स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी ने स्वीकृति करा के बनवाया था, उसको उनका नाम दिया जाए। और जो एक किसानों का पुरस्कार है, चूँकि वो किसान थे, तो वो पुरस्कार का नाम भी स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह पुरस्कार रखा जाए।